अगर तुम्हारी वजह से कभी जिंदगी में मुझे रोना पड़ा ना तो हशर कर दूंगी। आप हाँ तो बोलें। बोल तो रही हूँ। सुना तुम लोगों की दुआ कबूल होती है, अल्लाह तुम्हारी दरख्वास्त कभी वापस नहीं लौटाता। मेरे लिए अल्लाह से जो है कि माफी मांग दे यार। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। सलाम नानी। वालेकुम अस्सलाम। ए मुसर्रत, जरा बाहर आ, लड़के वाले आए, उनकी आओ भगत कर। नानी तंज तो ना करें। है मेरी ये मजाल कि लड़की की माँ हो के मैं लड़के वालों पे तंज करूं और चौधरियों की बहू से बिगाड़ करूं? अल्लाह मैया माफी माफी। अच्छा मैं ये पूछने आई थी, कोई काम है तो बताएं। काहे का काम? खाला की शादी है ना 3 दिन बाद, काम तो होंगे घर में। बाजार से कोई सामान लाना है तो मेरे अल्लाह मेरे हाथ पैर सलामत रखे। और मेरी 2 बेटियां हैं, है? मैं किसी पराये से क्यों मदद लूंगी, और वो भी समझाने की मदद ना। मेरी मैया माफी, तोबा तोबा भैया। बस कर देना नानी। तो तू बस कर दे। जरा सी गलती क्या हो गई, आप तो माफ करने पर तैयार ही नहीं है। तू माफ करे कभी किसी को, है? बता। जीते जी एक खुशी तो देख लेने दे मुझे। सारी जिंदगी मैंने दिल पे जख्म खाए, पहले अपना घर उजड़ने के, फिर अपनी बेटियों के घर उजड़ने के। मैं उन माओं में से नहीं हूं जो कहें कि डोल आउट गया, अब तेरी शकल जनाजे पे देखूंगी। अगर वैसी माँ होती ना तो शीरी और मुसर्रत पे जोर जबरदस्ती करके उनके उनके घर बसाए रखने पे मजबूर करती। मैं तुझ पे जोर इसलिए देती हूं कि ये बात वैसी नहीं है कि जिस पे रिश्ते खत्म किए जाए। रमजा, रमजा तो हीरा है, हीरा। मुझे हीरे पसंद ही नहीं है, आप संभाल कर रख लें। पछताएगी जब ना रहेगी नानी, कहेगी नानी समझाते समझाते मर गई। बस शुरू हो गई आपकी ब्लैकमेलिंग वाली बातें। कहाँ जा रही है? इधर आ। अकेला पड़ा है वो बीमार अंदर। ये तेरा कलेजा ना तड़पे, जरा एक नजर उसको जाके देख ले। हट्टा गट्टा है, जरा से बुखार से कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती हूँ ना कि यखनी बनाकर दे जाऊं, बना रही हूँ। वो भी उसकी हमदर्दी में नहीं, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि ना अम्मी घर है ना खाला। आप ही को उठाने पड़ेंगे अपने लाडले के नखरे। आपकी खातिर बना रही हूँ ताकि आपको ना बनानी पड़ जाए। और हाँ, और कोई ये ना समझे कि मैं हमजा की तीमारदारी के लिए। नानी नानी। अम्मा, शीरी मुझे भी साथ में चलो। अब हौसला करो मुसर्रत, अम्मा ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होता अम्मा को। खाला प्लीज घर रहें जोया के साथ, उसको तसल्ली दें, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह। क्या हो गया खाला को? हम अम्मा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं, दुआ करें। अब आप चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे हॉस्पिटल। मुझे भी अस्पताल जाना है। आ, चलते हैं, चलते हैं। आप लोग मां चाचू को फोन करें ना कि वो घर आए और मुझे ले जाए नानी के पास। करता, फोन करता हूं। वो तुझे लेकर नहीं गया तो मैं तुझे लेकर जाऊंगा पुत्री। मैंने हमजा से इतना कहा कि मुझे साथ ले जाए, मगर नहीं लेकर गया, अकेला ही चला गया। जैसे नानी सिर्फ उसी की हो, बस नंबर टांगने के शौक है उसे। हमजा तुझे साथ नहीं ले गया? जी, वो भी जानबूझकर। मैं और खाला कहते भी रहे मगर उसने एक ना सुनी, बल्कि मना कर दिया कि पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है।
साथ भी नहीं ले गया, मना भी कर दिया, पीछे अस्पताल आने की कोई जरूरत नहीं है? करता है मना तो करता रहे, मैं क्यों रुकूं, मैं तो जाऊंगी। सारी बात समझने आ गई है। कौन सी बात दादाजी? ये माई और हमजा जो मिलकर कर रहे हैं। दादाजी मैं सही कह रहा हूँ, सारा कुछ मेरी समझ में आ गया। मेरी समझ में नहीं आएगा फिर किसकी समझ में आएगा? मैंने ये किया कुछ दिन पहले। मतलब के? ए, माई और हमला मिलकर तुझे मनाने के लिए ये साजिश कर रही। देख लेना तू, देख ले, अभी फोन आएगा, माई को हार्ट अटैक हो गया। नहीं दादाजी, हमजा लाख साजिश ही और मीस ना ही सही। मेरी नानी ऐसी नहीं है, वो तो बहुत भोली भाली है, बिल्कुल सीधी साधी, और ये चलाकियां तो उन्हें नहीं आती, और झूठ झूठ तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं। हैं? हाय अल्लाह, नहीं बताओ भी क्या हुआ, करूं फोन? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। वही हार्ट अटैक। ले भाई। हेलो हाँ वट्टी, यार वट्टी एक काम कर, दरिया बुक कर ले मेरी जान। कन्नाते भी कर ले। और हाँ कन्नाते भी कर लीजिए, कन्नाते भी। अबे शादी वाली नहीं भाई, पोदगी वाली, डेट पे जो बिछाते हैं। दो चार हीटर का भी कह दे, अब रात को सोफे पे बैठेंगे तो सर्दी लगेगी ना। मूंगफली का भी बोल दूं इसको? नहीं नहीं, हाँ तू एक काम करना, सुजुकी में ले आइए मेरी जान, पकड़ ले बस, पकड़ ले, दम कर ले इसको। अम्मी मैं फौरन आ रही हूँ, आप लोग कौन से हॉस्पिटल में हैं? जरूरत कैसे नहीं है, मुझे मिलना है ना नानी से। दादा अपना डॉक्टर, डॉक्टर माजा नू लेके आ रहे हैं, दिल का डॉक्टर। मैंने दादाजी से कहा है, जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया था ना उसको भी साथ। हेलो हेलो अम्मी, मैंने पता देगा, फोन बंद कर दिया। डॉक्टर का सुन रही भांडा ना फूट गया है, तुझे भी आने से मना कर दिया। ये सब मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? नहीं किसी की मजाल है तुझको बेवकूफ बनाया, दादा किस लिए तेरा फलूदा खा रहे होंगे कहीं बैठे हैं। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि नानी ऐसा कर सकती हैं, और अम्मी अम्मी भी ऐसा नहीं। मैं सबसे गुजर चुका हूँ, मुझको पता है ना, जो झूठ के पूछे बड़ी मोहब्बत है पुत्र। जिस तरह मैंने ड्रामा किया था ना, तो वो दोनों तुझे और हमला को मिलाना चाहते हैं। तो दादाजी आपने मुझे उनके बारे में सब सच क्यों बता दिया फिर, जब आपको पता है कि वो मुझे और हमजा को एक करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो आपने उनके झूठ का भांडा क्यों फोड़ दिया? क्या आप नहीं चाहते कि मेरी और हमजा की सुलह हो? नहीं, नहीं। क्यों नहीं चाहता हूँ तो वास्ते, अगर मैं ना चाहता तो ये सारा ड्रामा श्रामा ये तो मुझको पता है, मैंने भी किया था ड्रामा, तेरी आंखों में आंसू नहीं देखे जा रहे। तू फिक्र न कर, दिल मैला न कर पुत्री, तेरी नानी बिल्कुल ठीक है, तू दिल मैला न कर। मैं
देखे ऐसे मत रो, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तो अम्मा को हुआ है, उनके दिल को कुछ हो गया है। तो रोने से क्या होगा, दुआ की जरूरत। आज ये बात कह दिए, आइंदा मत कहिए, वरना अगर मैं हाँ कह सकती हूँ ना तो ना भी कह सकती हूँ। ऐसा क्या कह दिया मैंने? दोबारा उसका नाम मत लेना। आपकी अम्मा का अनजानी दुआ का क्यों भूल गए सारे वादे कि मुझे खुश रखेंगे, कभी रोने नहीं देंगे? बस हम मेरे सामने बैठ के दुआ का जिक्र कर रहे हैं। मैं दूसरी दुआ की बात कर रहा हूँ। अनजहानी दुआ को तो मैंने दिलो दिमाग से निकाल दिया। जोया रुक रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। आप जाके क्या करेंगी? वही जो तूने करना है। मैं तो हसीना खाला के यहाँ जा रही हूँ ना, फरी के साथ मिलके बरी के जोड़े टांकूंगी। इसका खून तो बिल्कुल सफेद हो गया। नानी अस्पताल में पड़ी और इसको पराए लोगों के घर जाके उनके बरी के जोड़े टांगने के अरमान उठ रहे। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। शुक्र है। लेकिन अभी एहतियात की बहुत जरूरत है। फिलहाल आज की रात हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। आप घर जाएं आंटी, घर में सब परेशान होंगे। जोया मुसरत खाला आप उनके पास जाएंगे। तुम चले जाओ, तुम्हें बुखार है, कहाँ बुखार की हालत में आप बैठोगे। मैं रुक जाती हूँ ना अम्मा के पास। आप जाए, जोया को सिर्फ आप ही संभाल सकती है। पता नहीं क्या हाल बना लिया अगर वो, प्लीज आप जाए। मैं ठीक। हाय, सलमान की शादी पे तेरी वो वाली फूफी भी आएंगी ना जो नाक में बोलती हैं। अल्लाह, बड़ा मजा आता है उनको सुनने में। और जब वो गाना गाती है ना, मेरे ने हर से आज मुझे कब तक छुपाएगी इस दर्द को दिल में। मैं तेरी सहेली हूँ जोया, मेरे गले लग के रो ले। लो, क्यों रो? खाम खा, तेरी नानी हॉस्पिटल में है। अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ बेचारी। कितनी बदतमीज है तू, और यहाँ बैठी कर क्या रही है? तुझे इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए। चलो मैं तेरे साथ चलती हूँ। बैठी रहे, कोई जरूरत नहीं है जाने की। उनके पास वो है ना, उनका चहीता हमजा। जोया, ऐसी कैसे हो गई है तू? सिर्फ हमजा की चिड़ में अगर नानी ने हमजा को दिल में जगह दी तो वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है ना। तूने इस बात पे नानी को ही पराया कर दिया। फरी, जब बात का पता ना हो ना तो चुप रहा कर। नहीं रहूंगी मैं चुप, जहर लग रही है इस वक्त तू मुझे। क्या मैं जहर लग रही हूँ? हाँ, बेमुर्रवत और बेहिस। हमजा आगे पीछे घूमता है तुम्हारे, नाक रगड़ रगड़ के माफिया मांगी उसने तुमसे। अरे, तुम्हारा दिल है कि पत्थर का हो गया, पिघल ही नहीं रहा। और अब नानी के मामले में भी तुम पत्थर की बन गई हो। मेरी दोस्त होके तुम मुझ में खराबियां निकाल रही है फरी, वाह। बाज आई मैं ऐसी दोस्ती से जोया। उधर नानी बीमार पड़ी है और तू यहाँ बैठी ठट्टे लगा रही है। उधर तुम्हारा शौहर दर बदर हुआ हुआ था, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं थी। मेरी दोस्ती की खाक फिक्र होगी। मरो फिर, मैं ही बुरी हूँ, सबसे बुरी। हमजा अच्छा और सच्चा है, सबको उसी की वकालत करनी है, चाहे वो मेरे खिलाफ कितनी भी साजिशें करता फिरे। अच्छा बस कर देना मुसरत, अब ठीक है। अब अम्मा ठीक है तो अपने साथ क्यों नहीं घर लेकर आई? हार्ट अटैक हुआ है अम्मा को, हार्ट अटैक। चीख नहीं आई कि अस्पताल वाले फौरन छुट्टी दे देते, एक आध दिन रुकना पड़ेगा उन्हें। मुझे अभी अम्मा को देखने जाना है। सवेरे जाएंगे, बल्कि तुम और जोया चले जाना सुबह और फिर वहीं रुक जाना। जल्दी निकलना ताकि हमजा वापस आ सके, बेचारा बीमारी में वहां बैठा है। मैंने तो शाम को कहा था जोया को कि चल जोया अस्पताल चलते। ठीक कहती है, जोया बहुत बदल गई है। भला ये कोई मौका है सहेली के घर जाके बैठने का? अच्छा है ना फरी के पास चली गई, वरना यहाँ बैठ के क्या तेरी तरह आंसुओं के दरिया बहाती। अच्छा, उसका दिल बहल जाएगा,
वरना सौ सौ वसवसे आते उसके दिल में अम्मा के लिए। हो गई आपकी वापसी, मुझे लगा लंबा खींचेंगे आप, मतलब कम से कम दो दिन और। क्या बक रही हो? देखा, ये होता है आंसू रोकने का नतीजा। मैं उस वक्त से रो रही हूँ ना, इसीलिए बच गई। ये नहीं रोई तो सपने से इसका दिमाग ही चल गया। मैंने बिरयानी बनाई है आज अम्मी, आप लोगों के लिए भिजवाऊं? खाला ने तो किचन में जाकर ही ना होगा। अरे गारत हो तेरी बिरयानी, इतनी तौफीक नहीं हुई कि नानी का हाल ही पूछ ले। ओ, कैसी है नानी? अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर है, हमारी दुआएं रंग लाई, वरना डॉक्टर्स तो चले। अच्छा हुआ, खुशी हुई। भाई मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, खाना खाने जा रही हूँ, आपके लिए भिजवाती हूँ। इसे कोई आसेब हो गया, इसे कहीं वो चुड़ैल तो नहीं चिमड़ गई जिसका साया हमजा के खानदान पर है। इसे नफरत का आसेब खा गया, बदगुमानियों के जिन चिमट गए। जब दिल में इतना मैल भरा हो ना किसी के खिलाफ, फिर सब कुछ धुंधला ही नजर आने लगता है। लब तो लब, खा खा खा। आशा बाजे, जिंदी रहे मेरी पुत्री, अल्लाह। खा खा खा, खा ले खा ले खा ले। दादाजी, हम कहीं गलत तो नहीं समझ रहे? देखे ना, अम्मी घर अकेली वापस आई हैं। अगर नानी बिल्कुल ठीक हो गई होती तो फिर वो कहाँ है इस वक्त? हमजा के पास। वही तो पूछ रही हूँ, अगर वो अस्पताल में नहीं है तो फिर कहाँ है? भाई तुमने और हमजा ने किराए का मकान लिया था, तो तूने पूरे महीने का किराया दिया है बस। हाँ, लेकिन दादाजी नानी के पेट में तो कोई बात नहीं छुपती, वो इतना लंबा ड्रामा कैसे कर सकती हैं? जैसे मैंने किया, वो हातिम के मुंह से बात ना निकलती, वो भी तेरे सामने, वरना किसी को हवा लगती। हाँ, चले नानी तो आ गई होंगी हमजा की चलाकियों में, मगर अम्मी वो क्यों साथ दे रही हैं बेवकूफियों का, वो तो इतनी समझदार है। जिस तरह हातिम ने ना चाहते हुए भी मेरे झूठ का साथ दिया था। अगर यही सब है तो फिर मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? मुझे घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो, जैसे कोई अपना तकलीफ में हो। नानी कुछ चाहिए आपको? घर गई है, सुबह तक आ जाएंगी। जब तक आएंगी इंशाल्लाह आप और भी बेहतर हो जाएंगी। जोया का मुझे तो लग रहा है आप अभी से बिल्कुल ठीक हो गई नानी, बिल्कुल सेहतमंद माशाल्लाह। जोया आई थी? आई थी ना नानी, आप सोई नहीं थी, आके चली गई। अच्छी बात की थी उसने? जी नानी, आपका हाल चाल पूछ रही थी, को पता नहीं लगा। झूठा। ये खुशखबरी सुने? सुना। आप जल्दी से ठीक हो जाए, शरत खाला की शादी से भी फारिग हो जाए, फिर हम सब मिलकर चलेंगे उम्रा करने। आप मैं और जोया, अब और दादाजी भी होंगे साथ, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा, आपका बेटा बनकर, आपका मेहरम बनकर। तो सब जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा,
अबू आप सच कह रहे हैं? हाँ उनकी हालत ठीक नहीं। आपने खुद देखा है उन्हें वहाँ? हाँ हाँ, हमजा को भी बहुत तेज बुखार था। अब्बा जी मुझे आपकी समझ नहीं आती है। वैसे कमाल ही करते हैं आप, आपकी समझन है, आपको सोचना चाहिए। आपकी बहू की नानी है, उसकी माँ है, उन्होंने कितना ख्याल रखा था आपका जब आपको दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा कब? वो तो हमें पता है ना कि झूठ था, उन्हें तो नहीं पता, उन्होंने तो ख्याल रखा था। ओ ये सब झूठ है ड्रामा। क्या मतलब है आपका? पुत्री जो है आदा सिनू। ओ, वो अबू नानी मजाक करी होंगी मेरे साथ कि शायद इस तरह मैं और हमजा। कमाल ही करते हो तुम लोग, मजाक मजाक में कोई अस्पताल पहुंच जाता। यार नहीं है अस्पताल में, हमजे के साथ कहीं सैर सपाटियां कर रही होगी। अखो खुदा का खौफ करें अब्बा जी, मैं रात को खुद होके आ रहा हूँ भाई अस्पताल से। अबू आप हॉस्पिटल गए थे? हाँ। नानी वाकई हॉस्पिटल में? आप सच कह रहे? हाँ, वो मैंने हमजा की खबर भी लेनी थी ना, देर तो बहुत हो गई थी लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा इस बहाने तुम्हारी नानी की खबर भी ले लूं। अबू आप सच कह रहे हैं? हाँ उनकी हालत ठीक नहीं। आपने खुद देखा है उन्हें वहाँ? हाँ हाँ, हमजा को भी बहुत तेज बुखार था। चक्कर है, कभी माई बीमार, कभी बाबा बीमार और कभी काका बीमार। बुरी नजर है हिदायत भाई, बुरी नजर है, किसी की पत्थर तोड़ बुरी नजर लगी है। मैं तो इस पूरे खानदान के लिए ना हज पे जाके दुआ करूंगा। हिदायत भाई हज में तो बहुत टाइम पड़ा है, इसी तरह एक एक करके अस्पताल जाते रहे तो मेरे बेचारे सलमान की शादी का क्या होगा? अम्मा क्या हुआ? मैं सदके जाऊँ, क्या हुआ? फिर दोस्त के घर बात करके मेरी शादी की तारीख आगे बढ़वा दो। हाँ क्यों? हमजा भाईजान बीमार है, मेरे किसी खुशी मनाने को दिल ही नहीं कर रहा है, उनके बगैर कैसे खुशी। अब बावला हो गया क्या? हम सब दुआ कर रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, हम अल्लाह हमजा को जल्द अज जल्द सेहत दे। आमीन आमीन। तुम फिक्र ना करो बच्चे। नानी कैसी हैं आप? मुझे उनके पास ले चले। तुम पहले हमजा को देख लो। आपको इस मौके पे भी हमजा के पास भेजने की फिक्र हो रही है? मुझे नानी से मिलना है। नानी अभी सो रही हैं, लेकिन हमजा को बहुत तेज बुखार है, बीपी भी बहुत लो हो रहा था उसका। अच्छा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब बेहतर है वो। मुझे अस्पताल से फोन आया था इसीलिए मैं फौरन भागी है। छुप छुप आंखें तुमको ही देखे रोज बार बार, तक तक ऐसे थक जाए कैसे नैन बेकरार। सहम से लगते हैं दिल में सुलगते हैं हर पल अरमा हजार, कैद नहीं माने दुनिया को ना जाने प्यार तो होता है प्यार। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है, प्रेम गली में।
जोया। जी नानी, कुछ चाहिए? तबीयत ठीक है? डॉक्टर को बुलाओ। बेटा पानी दे। आप मेरे बराबर आके सो जा, थक जावेगी। नहीं वानी, मैं ठीक हूँ। आपको सूप पिलाऊं? नहीं नहीं। हमजा आप कैसा है? ठीक है। तू मिली? मेरा ध्यान आप में अटका था ना नानी, इतना गलत सोच लिया मैंने आपके बारे में। पता नहीं मेरी अकल को क्या हो गया था, कैसे मान लिया कि आप पैसा कर सकती हैं। पैसे जैसे हमजा ने अनजाने में तेरे बारे में गलत समझ लिया। सब जानूं, बताया है उसने कि तू क्यों खफा है उसके साथ। चल भला हुआ, तुझे ये तो एहसास हुआ कि जिसे हम बेपना चाहे कभी कभी हमारा दिल भी दुखा देवे, उसकी नियत पे शक करे, पर उससे प्यार कम तो ना हो जावे। तू समझी मैं झूठ बोलू हूं, ड्रामा करे हूं? क्या तब भी तू मुझसे प्यार ना करती थी? क्यों नहीं नानी, प्यार तो कब नहीं होता दिल से। ऐसे ही हमसा तुझसे बदगुमा हो गया। प्यार तो तब भी करे है वो, और आज भी करे है। जा उसे जाके मिल ले। जा। तुम्हारे लिए चाय लाई, सारी रात से जाग रही हूँ। हमजा घर चला गया, छुट्टी मिल गई उसे। अब उसकी तबीयत बेहतर है, वो अपने दादा के साथ दिया है। चल। आप इसी तरह इनकी खुराक का ख्याल रखिए, ठीक है? आप जितनी जल्दी खाएं पिएंगी, अपनी खुराक पर तवज्जो देंगी तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। बाकी अब आप माशाल्लाह पहले से बेहतर हैं और घर जा सकती हैं। शुक्रिया। ओके। हेलो, मंजूर बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा की तबीयत कैसी है? काफी बेहतर। वेरी गुड। मैं हमजा से मिलने के लिए वहां आना चाहता था, लेकिन सोचा कि वहां आना मुनासिब नहीं है, तो टेलीफोन पर ही खैरियत दरियाफ्त कर लूं। उसकी तबीयत आप उससे भी पूछ सकते थे डायरेक्टली कॉल करके। फिर तुम्हारी आवाज कैसे सुन पाता?
मैं उसे बता दूंगी कि आपने कॉल की। दादाजी हमजा आया आपके पास? तूने तो उसके ऊपर आने पर पाबंदी लगाई हुई है, उसका यहाँ क्या काम? कौन लोगो भाई तुसी? दादाजी हमजा आया है। जोया, देख तो सही कैसा चमचम कर रहा है हकीम साहब का स्कूटर। अरे कहाँ जा रही है? अम्मा सो रही है अभी ना जगह। मुझे नानी से नहीं, हमजा से काम। वो तो अभी अभी निकला है। कहाँ? अल्लाह जाने, बस 2 मिनट पहले जाता देखा तो। को देखा? हाँ जी। कब, कहाँ? हर रोज आपके घर। अभी देखा कि जाते हुए? अरे मुझे क्या पता, उनके दोस्तों से पूछे। शाबाश, जल्दी से भाई। हाँ जल्दी से अबे कुर्सी उठा, जान बना कुछ कर, रोटी नहीं खाई क्या? सलमान के साथ ही नहीं है, कहाँ गया अचानक? बात सुन बेटा, अम्मा की तबीयत कैसी है? जी बेहतर है, अस्पताल से घर ले आए हैं। बात सुन, तुझे तो पता ही होगा कि लोगों का बड़ा पक्का यकीन है कि हमारी दुआ और बददुआ कभी खाली नहीं जाती। हमजा का भी यही यकीन है, उसे लगता है कि हमारी दुआ और बददुआ कभी खाली नहीं जाती। उसने मुझे एक दुआ करने का कहा था, बड़े मान से। दुआ तो मैंने कर दी अल्लाह के हुजूर, अब मान तो तू ही रख सकती है ना। कैसी दुआ, मैं समझी नहीं। प्यासा क्या मांगेगा, पानी? हमजा तेरे अलावा और क्या मांग सकता है? जोया, अब तेरे हाथ में है कि तू हमजा का मेरी दुआओं पर कबूल होने पर यकीन रख सकती है या नहीं। इस पल कहीं चल चले, मन का हाथ थामे, बसती हो खुशबू जहां, लगो तो हुबहू खिले मुझ में। पन्नों पे लिख दिया नाम तेरा, दिल पे काबू है, तेरा ही जादू है, हर सू फैला हुआ। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है।
जोया वो मैं मुझे पता ही नहीं था कि तुम घर हो। अगर सॉरी, अगर कसम से मुझे जरूरत ना होती मैं कभी तुम्हारी इजाजत के बगैर ना आता। वो एक्चुअली ये लेने आया था मेहंदी पे कुर्ता पहना है, नीचे तो सिर्फ एक जीन्स और 3 टी-शर्ट्स है मेरे पास। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, ये देखो ये वही कुर्ता है जो मैं नीचे। तुम ये पासपोर्ट लेने आए थे? हाँ, ये कुर्ता और ये पासपोर्ट दोनों। वो तुम्हारी ये हिम्मत, मुझे छोड़कर भाग जाओगे? सोचना भी मत, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। छोड़कर दिखाओ तो सही मुझे, कर सकते हो इतनी हिम्मत? बोलो, कर सकते हो ऐसा? ये क्या है? तुम्हारा पासपोर्ट, क्योंकि अकेला तो शायद जो है अब मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। दादा नानी और अब्बू को उम्रे पे लेके जाना है कि नहीं? उम्रे पे? हाँ ना, अब शुक्राने की नफल वहां जाके ही पढ़ूंगा। तुम्हारी नाराजगी खत्म होने के लिए 100 नफल मांगे थे। किसने कहा कि नाराजगी खत्म हो गई है? अच्छा, तो कौन फिर रहा था गली में मारा मारा मुझे ढूंढने के लिए? वो तो मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था, तुम्हारा चाहिए था इसलिए ढूंढ रही थी। और जो 100 नफल तुमने मांगे हैं ना, वो सारे खुद ही पढ़ना, मेरे पास टाइम नहीं होगा। मैंने तो खुद अपने 100 नफल मांगे थे। नफल अपने। मुसरत जी, क्या हुआ है? आप जिंदा हैं? के हैं से
दिल की कहानी में आँख के पानी में ढूंढू तुझे मैं कहाँ।